न्यू पटिशन दायर हुई भी है, लेकिन चीफ साहब ने अपना माइंड जो है वो डिस्क्लोज कर दिया हुआ है, चाहे वो ब्रिटिश एम्बेसडर के को लेटर लिख के किया गया हो या यहाँ पर अदालत में मुख्तलिफ कमेंट्स की सूरत में किया हो। तो मेरा ख्याल है कि अब रिव्यू पटिशन में चीफ साहब को नहीं बैठना चाहिए, बाकी जजेस को इस मामले को देखना चाहिए। दूसरी बात, जिस तरह कल कहा गया कि जी आपने ये सुन्नी तहत काउंसिल ज्वाइन की तो आपने तो खुदकुशी कर ली, तो जी खुदकुशी से हमें रोका जा सकता था, आपके पास 100 मोटो एक्शन लेने का पूरे का पूरा अथॉरिटी थी, इस कोर्ट के पास सबसे ज्यादा पावर्स हैं। अगर हमारी बल्ले के निशान ले लिए जाने वाले फैसले की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो एक आईनी इदारा है वो गलत इंटरप्रिटेशन करके पूरी पार्टी की धुलाई बल्ले से कर देता है, हमारा सबका बेड़ा गर्क कर देता है, मुझे रोलर कोस्टर का निशान, किसी को जूते का निशान, किसी को चिमटे का, किसी को बैंगन का, तो कभी कुछ रात के 12 बजे तक आर ओज हमें ब्लैकमेल करते रहे कि आप पे फ्रॉड के केसेस बनाएंगे, तो कभी किस चीज़ के बनाएंगे। उस वक्त जब इन्हें पता था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान गलत इंटरप्रिटेशन करने के बाद एक सबसे बड़ी जमात को सियासी तौर पर डिसइनफ्रेंचाइज कर रहा है, हमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रिफ्यूज़ कर दिया कि हमारे से तो वो हमारी लिस्ट ही नहीं लेगा, तो क्यों इलेक्शन कमीशन के सारे कारनामे पे ये कोर्ट जिसने फैसला दिया था 100 मोटो एक्शन लेने के बाद उनको बुला के नहीं बताया कि आप गलत तरीके से इम्प्लीमेंटेशन करें, ये किसका काम था? ये वो अदालत है जो 100 मोटो एक्शन ले सकती है। आज 4 महीने के बाद जब हम अपनी इंतज़ार करने के बाद जब हमारी पटिशनें लगी हैं और हम उनके सामने हैं, तो हमें ये खुशखबरी बताई जा रही कि आपने तो खुदकुशी कर दी हो, फिर जिस वकला कोई जवाब देने लगे तो फिर ये भी बताया जाता है कि सियासत मत करें, सियासी केस है, सियासतदान खड़े हुए हैं, सियासतदान आके इंसाफ मांग रहे हैं, पूरे पाकिस्तान के लोगों ने उनको वोट दिया, लेकिन वो सियासत पे बात मत करें। और अगर मफरूजों पे बात हो तो सिवाय एक हमारे मुतबर जज साहब के बाकी कोई बंदा मफरूजों पे भी बात ना करे, उनका दिल करे तो सियासत पे भी बात हो सकती है और मफरूजे पे भी बात। तो प्लीज़ ये दोहरे मेयार ना रखें, बहुत बड़ी अदालत है, बहुत मोतबर है, इस पे पाकिस्तान की आवाम दिल से यकीन रखती है, और उनके ऊपर जो लिखा हुआ है ना आज सारे वो देखिएगा कि ऊपर क्या लिखा हुआ है कि ये अवाम-उन-नास को इंसाफ देने वाली अदालत है, तो इसलिए अवाम-उन-नास के दिल पे छुरियाँ नहीं चलनी चाहिए, उनको इंसाफ मिलना चाहिए। हम भी आम आवाम के नुमाइंदे हैं, आम आवाम की आवाज़ लेकर यहाँ पर आए हैं, और जो वोट की रिप्रेजेंटेशन है, प्रोपोर्शन ऑफ रिप्रेजेंटेशन, यही जमहूरियत की स्पिरिट है, अगर ये ख़त्म होगी तो जमहूरियत तो इफेक्टिवली वैसे ही ख़त्म हो जाती है। आपकी सीटें 2 आई हों और रिजर्व सीटें आपको 6 मिल जाएं, ऐसी जमहूरियत को दुनिया में पता नहीं फिर क्या कहते हैं, हम तो इसको डिक्टेटरशिप मानते हैं। सो मेहरबानी करें, ये रिजर्व सीट्स कोई ना पताशे हैं, ना रेवड़ियाँ थी, ना खैरात थी, और ना कोई मिठाई का डब्बा था जो खुशी खुशी इलेक्शन कमीशन ने उसी तरह ही दे दिया, उन्हीं लोगों को दे दिया जिनको बायोमेट्रिक करने के लिए इस्लामाबाद या लाहौर के एयरपोर्ट पर बाकी इदारे भी पहुंच जाते हैं। ठीक है, आप उन्हें रिलीफ ज़रूर दे दें, उनको नाअहली से अहलियत पे भी ले आए, एक दिन में उनके केस डिसाइड कर दिया करें, 28 मई को अगर वो कहे मैंने सदर अपनी पार्टी का वापस बनना तो बना दिया करें, बगैर वजह के नोटिफिकेशन निकाल दें, हमारे तो 4-4 महीने इंट्रा पार्टी इलेक्शन के ही नहीं नोटिफिकेशन आते, उसमें से अभी और बड़े बड़े कीड़े माइक्रोस्कोप लगा के ढूंढ के निकाले जाएंगे। तो ये सब कुछ आप हमारे साथ करें, सारी जमहूरियत की रूह भी हमारे पीटीआई में ही डालें, लेकिन खुदारा थोड़ा सा इंसाफ भी हमारे साथ करें, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो तो चाहे ये आला अदलिया हो, क्योंकि हम आवाम की आवाज़ है, अपनी ज़ात के लिए नहीं, आवाम की रिप्रेजेंटेशन के लिए ये लाखों वोट लेकर आके यहाँ खड़े हुए हैं। अगर सुन्नी तहत काउंसिल में पीटीआई इस वक्त एक तरह से मर्ज कर गई है, ये सारी खुली बात है, कोई मजाक थोड़ी, किसी को नहीं पता हो, और क्यों की है, डंडे के जोर पर हुई है, क्योंकि हमें एन इलेक्शन से पहले डिसइनफ्रेंचाइज करने की साजिश की गई, ये इमरान खान साहब ने कहा कि मेरी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की गई और हमें इलेक्शन लड़ने से रोका गया है, ये कौन सी बात है जो किसी को ढकी छुपी है, और किसी ने क्या आप लोगों ने नहीं देखा कि क्या सलूक किया गया, किस किस तरह की हमने पुलिस गर्दी जो है वो और आरोप जो लगाए गए थे, कल हमें सुनाई गई कि जी इमरान खान और उनकी पार्टी ने तो इलेक्शन डिले करने की कोशिश की है, हमने कोई इलेक्शन डिले करने की कोशिश नहीं की, हम वो वाहिद जमात थी जो इलेक्शन मांग रहे थे पिछले 1.5 साल से, हम तो सड़कों पे मारे ही इलेक्शन के पीछे खा रहे हैं, हमारे पे ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि हमने इलेक्शन डिले करने की कोशिश की है, हमने इलेक्शन में धांधली को रोकने की कोशिश की थी,
हमने आरओज जो ये सरकारी मशीनरी आरओ के तौर पे हमारे ऊपर मुसल्लत की गई, जिसको फिर आपने देखा कि इलेक्शन में कैसे सहूलतकारी की, उसको रोकने की कोशिश की थी। हमने आईनी और जमहूरी तरीके से फ्री एंड फेयर इलेक्शन डिमांड किए थे। हमने खाली इलेक्शन डिमांड नहीं किए थे, हमने फ्री एंड फेयर इलेक्शन डिमांड किए थे। इतना क्रेडिट कल लिया गया कि जी हमने तो डेट दिलवा दी, में हम 100 दफा क्रेडिट देते हैं, लेकिन जो इलेक्शन हुआ है जरा उस पर भी नजर हो। अतर मिनल्ला साहब ने जो राइटली पॉइंट आउट किया उसको भी देखिए कि किस किस्म का इलेक्शन कराया गया, किस किस्म की फसताइत की गई है। और यही बात जब सवाल किया गया था कि आप सबसे बड़ी पार्टी का बल्ला ले छीन के गेंद भी लेके उनको स्टेडियम में दौड़ा दिया कि जाओ बाकियों से जो है वो चिमटे भी खाओ और जूते भी खाओ, लेकिन शुक्रिया इस अवाम का और उस अल्लाह की जात का कि जो मर्जी इन्होंने हमारे साथ साजिशें की, अवाम ने बता दिया है कि हम सबसे बड़ी पाकिस्तान की एक ही पार्टी है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ, वो जिस पे हाथ रखेंगे हम उसको वोट देंगे। सो आप सारी कन्फ्यूजन वहाँ से है, अब इस किबले को दुरुस्त करें। ये इलेक्शन जिस तरह का हुआ है वो हमें वो रावलपिंडी के कमिश्नर साहब ने भी बता दी है और भी बहुत सारी गवाहियाँ आई हैं और जुबैर साहब ने भी बता दी है, जो ना मेरे तर्जमान थे ना हामिद रजा साहब के तर्जमान थे, वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ कबूतर वाली सरकार के तर्जमान थे या उनकी बेटी के तर्जमान थे। सो मेहरबानी करें, पाकिस्तानी आवाम जो है वो तोते उड़ाने नहीं बैठी है, आपको ही कबूतर उड़ाता देखना चाहती है और आपके ही तोते उड़ाए उन्होंने वोट के जरिए। उसकी वोट की सैंक्टिटी को जो है वो कायम रखना इन अदालतों की जिम्मेदारी है और इन आईनी इदारों की जिम्मेदारी है। उन्होंने ना सिर्फ पीटीआई को बल्ले का निशान अलाट नहीं किया लेकिन एसआईसी को भी इलेक्शन कंटेस्ट करने से रोका। ये फ्लैग्रेंट वायलेशन है आईने पाकिस्तान की, इलेक्शन कमीशन के कानून की, इलेक्शन एक्ट की। दूसरी बात जो यह कहा गया कि आपने एसआईसी ज्वाइन करके खुदकशी की है, तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा ये खुदकशी नहीं है। आप चाह रहे हैं कि जो पाकिस्तान की आवाम का मैंडेट हो उसका कत्ल किया जाए और ये पाकिस्तान की आवाम चाहती है और आपसे उम्मीद रखती है कि जिसको मैंडेट मिला है वो असेंबलियों में रिफ्लेक्ट होना चाहिए और आवाम के इस मैंडेट का कत्ल नहीं होना चाहिए। आपने देखा बार बार ये डिस्कशंस हो रही हैं, जजेस खुद ये मान रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने जो उसको इंटरप्रेट किया है सुप्रीम कोर्ट की बैट के मुतालिक सिंबल की जजमेंट को, वो गलत किया है। अगर गलत सुप्रीम कोर्ट ने किया है तो उसकी सज़ा उस वोटर को, उस पार्टी को नहीं दी जा सकती। इसलिए ये बेसिक फॉल्ट है, इसको दुरुस्त करने के लिए कंप्लीट जस्टिस किया जाए और जहाँ जहाँ से जो गलतियाँ हुई हैं उनको दुरुस्त किया जाए। बल्ले के निशान पर कल आपने देखा कि चीफ साहब को उनका अमला इतना बेखबर रखता है कि चीफ साहब को पता ही नहीं था कि बल्ले की रिव्यू पिटीशन दाखिल हुई है। बल्ले के फैसले पे, क्योंकि फैसला आ चुका है, बात हो सकती है, पूरी दुनिया चीख रही है, पूरी दुनिया के सफीर चीख रहे हैं, लोकल हमारी ऑर्गेनाइजेशंस कह रही हैं कि ये गलत है और उसकी रिव्यू दाखिल है, तो उसको बार बार जो है डिफेंड किया जा रहा है, इसके बजाय उसको लगा के उसको सुना जाए। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। अभी कल ये कहा है कि आप JUIF ज्वाइन कर लेते, कहीं ये नहीं कह दिया गया कि आप BJP और कांग्रेस ज्वाइन कर लेते। सर मेरा किरदार चला हूँ, उम्मीद है कि काजी साहब मुझे मौका देंगे और वहाँ पर बनेगा और मुझे बोलने का मौका देंगे। पाकिस्तान की आवाम देखेगी कि हमारे साथ क्या सलूक किया गया।